आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके चेहरे पर कितने दिनों में चमक आने लगता है, यानी कि उसके फेस पर ग्लो कितने दिनों में आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप सभी लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आके बातें करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपने चेहरे पर बहुत सारा फेस वाश यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, जिससे कि उनके चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत सारे पिंपल्स होने लगते हैं, एक्ने होने लगती हैं। तो आपको बहुत सारा फेस वाश नहीं यूज करना है। तो अगर आपको अपने चेहरे पे चमक लाना है तो आपको अपने अंदर से अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। उसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि आपके चेहरे पे चमक आ जाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने अंदर की सभी बीमारियों को सही करो, चेहरे पे चमक आने लगेगा। अगर पेट में कोई भी गड़बड़ है तो उसको आप सही करो, क्योंकि पेट में अगर आपकी गड़बड़ रहेगा तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फेस पे पिंपल्स होने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। तो मैं आपको अभी थोड़े देर में ये बताऊँगा कि कितने टाइम बाद ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा। तो आपको मैं बता दूँ, इस समय में हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, तो आपके चेहरे पर उस पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे पिंपल्स होने लगते हैं। तो आपको प्रदूषण से बचना है, पॉल्यूशन से बचना है। और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा भोजन खाना है, वेजिटेरियन फूड खाना है, सब्जी साग खाइए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और अगर आप रोज़ एक आंवला खाते हो तो भाई 30 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप 30 दिन तक लगातार आंवला खाते हो तो आपके चेहरे पर भाई बहुत ज़्यादा उस पर चमक आ जाएगा। और आपको सबसे बड़ा काम करना है, आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, तो अगर आप अच्छे से सांस ले पाएंगे तो उस पर आपके चेहरे पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, आपके चेहरे पे चमक आएगा। और आपको एक्सरसाइज भी करना है। तो अगर आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 30 दिनों तक, तो आपके चेहरे पर चमक आने लगेगा और आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ, मेरे चेहरे पर चमक आ रहा है। मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, आप 5 मिनट कीजिए या 10 मिनट कीजिए, और एक्सरसाइज भी आपको करना है। तो यही सब नियम है, अगर आप अच्छे से पालन करते हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता, आपको फ़ायदा 100% होगा और आपके चेहरे पे भी चमक आएगा और बहुत सारी दिक्कतें आपकी सही हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य से सिर्फ चेहरे पे चमक नहीं आता है, बहुत ज़्यादा भाई फायदा होता है ब्रह्मचर्य से। आप एक बार ट्राई करके देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तभी आप आके यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।